सब्सक्राइब कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है सो फ्रेंड्स ऑल राउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं भैया सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पर थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अभी राजस्थान में इलेक्शन के कारण हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट है उसको अभी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब चलो जब इंटरनेट वापस शुरू हो गया है तो आपके लिए आपकी मैथमेटिक्स की जो क्लासेज है वो शुरू हो रही है। तो आपकी जो लास्ट मैंने ली थी क्लास उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में कुछ बताया था, फिर मैंने बताया था कि इक्वेशंस कैसे बने जाते हैं, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसे इक्वेशन कैसे बने जाती है। लेकिन वो जो एक मैंने क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि उसमें परफेक्ट आंसर मतलब आ नहीं रहा था और उससे शायद आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो रही थी, सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं आज उसका एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको मैं ये समझा दूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, लाइंस एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो उस चैप्टर से एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिएगा एग्जांपल नंबर 4, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन बच्चा कहता है कि सर हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी लिखा करो, चलिए व्हेन अ नंबर व्हेन अ नंबर एडेड टू इट्स टू थर्ड इज इक्वल टू 35, द नंबर इज द नंबर इज, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा, देखिए व्हेन अ नंबर एडेड टू इट्स टू थर्ड, यानी कि एक कोई संख्या है जिसको उसके 2/3 भाग टू थर्ड पार्ट जो है उसका उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 35 हो जाती है, यानी कि उसमें उसका 2/3 भाग जोड़ने पर व्हेन वी एड टू थर्ड ऑफ इट्स पार्ट्स टू इटसेल्फ देन इट बिकम्स 35, देन व्हाट विल बी दैट नंबर, यानी कि वो संख्या कौन सी थी। तो देखिए क्या बात करेंगे, मैंने क्या कहा था, हमें इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी मानना है, एक वेरिएबल मानना है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम, मतलब कि मानना कि डेट नंबर बी एक्स, माना कि वो संख्या एक्स है, ओके। अब हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना है, क्वेश्चन क्या कहता है कि उसके टू थर्ड को हमें इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इस x के अंदर, इस संख्या के अंदर इसका टू थर्ड, इसका टू थर्ड यानी कि इसका 2/3 भाग जोड़ना है, इसका 2/3 मतलब 2/3 इंटू एक्स, यानी इस x का 2/3 क्या होगा, 2/3 इंटू एक्स। अगर मैं 100 के 2/3 की बात करूं तो 100 इंटू 2/3, इस प्रकार से जिस संख्या का हमें कहा जाए उससे सीधा मल्टीप्लाई होता है, चाहे परसेंटेज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम ये करते हैं तो ये कहता है कि ये 35 हो जाता है, ये 35 आ जाता है। अब हमें x की वैल्यू याद कर देनी है, तो देखिए क्या आता है यहां पर, x प्लस 2x बाय 3 इज इक्वल टू 35, आगे सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 ले लिया, 1 और 3 का हमने ले लिया एलसीएम, लसप 3 इसका एलसीएम आया, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 को 2 से 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, इक्वल में क्या है 35। आगे सॉल्व करते हैं, इस 3 को उस साइड लेके जाते हैं, यानी कि जो इक्वल का चिन्ह है, देखिए अब ये इक्वेशन लगभग हमारी बन चुकी है लिस्ट, लेकिन इस इक्वेशन को एक परफेक्ट वे में लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको एक परफेक्ट वे में कैसे लिखा जाएगा कि ये जो नीचे संख्या फ्रैक्शन में है इनको अगर हम सीधा कर दें तो शायद ये परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हम इस 3 को जो कि यहां पर भाग में है उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 35 इंटू 3, ठीक है। तो 3x और 2x कितने हो गए 5x, तो 5x इज इक्वल टू 35 इंटू 3
क्या हो गए, चलिए हम इसको सिर्फ इस ऐसे लिख देते ताकि शॉर्टकट है। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके अंदर वापस पांच का भाग, आपको आप जानते हो कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो पांच इस साइड लेके आते हैं। तो जैसे ही पांच इस साइड लेके आते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आता है, 35 इंटू 3 बट्टा 5, अब 5 बन जा 5, 5 7 जा आ गया, तो 7 या 21, तो हमारा जो आंसर आता है वो 21 आता है। यानी कि अगर 21 में इसका 2/3 भाग जोड़ दिया जाए तो वो 35 बन जाता है। हमारा आंसर 21 है और ऑप्शन में भी शायद इसका, हाँ ऑप्शन में भी इसका 21 आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब भी कोई डाउट हो, इसके कई सारे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कोर्स जल्द से जल्द पूरा करने के बाद मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा, आपके रोज की करीब करीब 40-50 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपकी सारे क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो आपको मैं बताऊंगा। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप देखते रहिए, और एग्जाम हो जाने के बाद भी जब आप 9th की कोचिंग करोगे वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, लाइन्स एंड ट्राइंगल्स, रेखा कोण एवं, 9th चैप्टर है लाइंस एंड ट्राइंगल्स, रेखा कोण एवं त्रिभुज, ठीक है। तो ये एक चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी इस चैप्टर में मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इससे पहले आपको कुछ जानकारी मैं दूंगा, मैंने आपको पहले इससे पहले वाला चैप्टर में बताया था एलजेब्रा के बारे में, यानी कि जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी वो, एलजेब्रा के साथ एक आता है ज्योमेट्री। देखिए एलजेब्रा में क्या होता है, एक्स वाई जेड वगैरह वट एवर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है सारी की सारी। अब ज्योमेट्री जो होती है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो होगी, वो बात की बात है, लेकिन इसके अंदर एरिया, पेरीमीटर, लाइंस, ये सारी चीजें होती है, साइड्स वगैरह, तो ये सारी आती है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का मतलब जैसे ही बच्चे सुनते हैं तो आप सदा जानते हो जियो, जियो का मतलब क्या होता है, ये मैं उस जियो की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं, मैं जियो बात कर रहा हूं, जियो मतलब जियो जो होता है, जियो किसको कहा जाता है, सिंपल भाषा में जियो का मतलब होता है हमारी जो अर्थ है उसको जियो कहा जाता है, अर्थ के ऊपर जो अर्थ जो हमारी पूरी है उसको जियो कहा जाता है, यानी कि इसके आकार कहां कहां पर क्या है, लोकेशन जो होती है उस लोकेशन के आधार पर सारी जो भी है प्रोसेस इसको जियो कहा जाता है। तो जियोमेट्री यानी कि लोकेशन, एरिया, पेरीमीटर, इस प्रकार की जब हम यानी कि एक किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड पर बात करते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड पर यानी कि क्षेत्र पर बात करते हैं तो फिर बात आती है जियो की, इसकी जियोमेट्री की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जियोमेट्री के आधार पर हम किस किस चीजों के बारे में अभी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले, लाइंस एंड ट्रायंगल्स। तो जो ज्योमेट्री है, अब देखिए चलिए आपके ये चीजें दी हुई है, इसमें दिया हुआ है डेफिनेशंस रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स, क्या दिया हुआ है, पहला टॉपिक है डेफिनेशंस रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स, मतलब कि रेखा और कोण, रेखा और कोण के अंतर्गत क्या क्या परिभाषाएं आती हैं, क्या क्या डेफिनेशंस आती है, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इनके अंदर, कि ये फैक्टर इनके अंदर काम करते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ज्योमेट्री का अहम भाग है, अहम भाग का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जब पॉइंट ही नहीं है तो हम किसी चीज को खींच नहीं सकते, किसी चीज का शोक
नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर ए लिखा, तो ये इस ए के अंदर कितने पॉइंट है आप जानते हो? इस ए के अंदर कितने पॉइंट है? सारे पॉइंटों से मिलकर ये ए बना है, ठीक है। तो पॉइंट ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को कहा जाता है हिंदी में बिंदु। क्या कहा जाता है? बिंदु। देखिए अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की जो परिभाषा है, अब देखिए पॉइंट की सबसे पहले सिंपल बात तो ये बताऊं कि पॉइंट की ना तो कोई चौड़ाई होती है ना कोई लंबाई होती है। पॉइंट हैव नो विड्थ नो हाइट, यानी कि पॉइंट के ना तो कोई हाइट होती है, सॉरी ना कोई हाइट होती है और ना कोई ब्रेथ होती है। यानी कि पॉइंट एक ऐसा होता है जो बड़ा या छोटा होने की चलो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंट के कोई हाइट या फिर कोई ब्रेथ नहीं होती। पहली बात तो ये, पॉइंट के माध्यम से यानी कि पॉइंट के उपयोग से, पॉइंट के यूज से हम कोई भी रेखा खींच सकते हैं। रेखा का मतलब लाइन खींच सकते हैं। बिना किसी पॉइंट के हम कोई लाइन नहीं कह सकते। एंड हम कह सकते हैं पॉइंट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। जो पॉइंट है वो इस ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है बताइए बच्चों? मैंने अभी यहां पर लिखा था ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। यानी कि जो ये पॉइंट है, ये जो बिंदु है, यह ज्यामिति का सबसे मतलब क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट वाला एक ऐसा पार्ट है जिसका उपयोग ज्योमेट्री में हर जगह हर एक स्थान पर किया जाता है। तो देखिए पॉइंट जो है, और पॉइंट क्या काम करता है? पॉइंट किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए, किसी भी स्थान को दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट काम करता है। अगर मैंने यहां पर पॉइंट मान लो ले लिया, तो ये पॉइंट मुझे क्या दिखाएगा कि यहां पर ये पॉइंट, ये स्थान है, ये स्थान एक परफेक्ट है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि जैसे कि यहां पर मैंने अगर ए बनाया, यहां पर भी बनाया और मैंने पूछा ए कहां है, तो ए के ऊपर जब ये पॉइंट लगता है मतलब ये पॉइंट शो कर रहा है कि ए यहां पर है। इसी प्रकार जब आप अपने गूगल अर्थ से अपने पृथ्वी को देखते हो, लोकेशंस को देखते हो, लोकेशन सर्च करते हो, तो जब आप देखते हो कि हमारी जो लोकेशन होती है उसके ऊपर एक ऐसा ऐसा गोल गोल पॉइंट होता है, वो ये दिखाता है कि ये हमारी लोकेशन है। यानी कि किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए पॉइंट एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं रेखा की, यानी कि लाइन की। हम बात करेंगे लाइन, रेखा की। लाइन क्या होती है? रेखा क्या होती है? लाइन, लाइन को आप लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। अब देखिए लाइन जो होता है, लाइन एक सीधा पथ है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके, उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं इंग्लिश में बता दूं आपको, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच मे पास थ्रू इंफिनिटी। यानी कि लाइन एक सीधी सीधा रास्ता होता है, यानी कि जो रेखा होती है वो रेखा एक सीधा रास्ता हो सकता है जो कि इंफिनिटी यानी कि अनंत। मैंने बताया था आपको इस प्रकार का चिन्ह होता है उसको कहा जाता है इंफिनिटी, जो इंफिनिटी तक जा सकते। यानी कि लाइन यहां से शुरू हुई या फिर पीछे से शुरू हुई, मान लीजिए लाइन यहां से भी शुरू हुई और आगे तक, यानी कि ये लाइन कहां पर जाके रुकेगी हमें कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। इसको कहा जाता है लाइन। क्या कहा जाता है? रेखा। इसको कहा जाता है रेखा या लाइन। जो जैसे देखिए यहां से अगर एक लाइन शुरू होती है और ये पता नहीं कहां पर जाकर रुकती है, कहां पर रुकती है हमें मालूम नहीं है। जब हमें मालूम नहीं है तो उसको हम कहेंगे लाइन यानी कि रेखा। अब इसी प्रकार से आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। वो क्या होता है बताओ तो, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइन
सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा खंड। देखिए लाइन वर्सेस लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है जो एक स्थान से शुरू होकर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर पता नहीं कहां पर जाके रुकती है, उसके बारे हमें मालूम नहीं होता, यानी कि वो कहां पर रुकेगी वो हमें मालूम नहीं होता, उसको कहा जाता है लाइन। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। हमारे जैसे आपने विश्व का जो नक्शा पढ़ा होगा, भारत का नक्शा पढ़ा होगा, उसके ऊपर से इस प्रकार से एक निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं कर्क रेखा, एक निकलती है मकर रेखा, एक निकलती है भूमध्य रेखा। तो ये रेखाएं कहां पर जाके रुकती है ये हमें कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए इनको रेखा कहा जाता है, इनको लाइन कहा जाता है। ठीक है, अगर ये कहीं पर एक पॉइंट पर रुक जाती तो उसको लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। अब बताते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, यानी कि इसको रेखाखंड कहते हैं। इट इज स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक सीधा रास्ता होता है, या फिर कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज अ स्ट्रेट पाथ की जगह स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, इट इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों के बीच में, यानी कि एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, अगर इसके बीच में मैं एक सीधी लाइन खींचूं तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट हमेशा दोस्तों बच्चों कैसे होता है कि वो इस प्रकार से उसको रोक दिया जाता है कि ये लाइन यहां तक ही है और ये लाइन यहां तक ही है, तो उसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। लेकिन जो लाइन होती थी उसको हम बीच में रोक नहीं सकते थे, एक जगह पर वो पॉइंट ही आता था कि यानी कि ये कहीं पर भी जा सकती है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते, और उसमें ए बी पॉइंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि पॉइंट कहां होंगे जहां पर वो रुकी होगी, एक लोकेशन बताएगी, लेकिन उस लाइन की हमें कोई लोकेशन नहीं बताता, लाइन कभी अपनी लोकेशन नहीं बताती, लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमेशा अपनी लोकेशन बताता है कि वो ए और बी के बीच में है, ए पॉइंट और बी के बीच में है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां पर इंडिया है, यहां पर पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहां पर अगर जम्मू कश्मीर से लेकर अगर हम यहां पर देखें भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर बनी हुई है, यहां पर हमारे राजस्थान से बनी हुई है, इस प्रकार से बनी हुई यहां पर पाकिस्तान की सीमा पूरी हो जाती है, पाकिस्तान का बॉर्डर पूरा हो जाता है, तो यहां तक जो होती है लाइन इस पॉइंट से शुरू हुई, यानी कि श्री या जे एंड के से शुरू हुई और यहां पर गुजरात तक पूरी हुई, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये है इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमें इसका पॉइंट मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वो कहां से शुरू हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका कहां पर उसका एंडिंग पॉइंट है वो हमें मालूम नहीं पड़ता, इसीलिए उसको सिर्फ और सिर्फ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी बात मालूम पड़ गई। अब चौथी बात आएगी रे, चौथी बात हम करने वाले हैं रे। यहां आपके हिंदी इंग्लिश में थोड़ा अलग अलग चैप्टर दिया हुआ, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रे की बात करेंगे हम, चौथा रे को क्या कहा जाता है? किरण, ठीक है,
जैसे कि मैंने आपका जो साइंस में लाइट वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य से उसकी रे निकलती है, फिर वो रे लेंस के अंदर घुसती है, वट एवर मैंने उसके बारे में बताया था। तो वो मैंने आपको बताया था रे के बारे में। अब वही रे क्या होती है, उसको किस प्रकार के शो अप किया जाता है ज्योमेट्री में, ज्यामिति में कैसे उसको दिखाया जाता है। तो देखिएगा, रे जो होती है वो एक पॉइंट से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है, उसके बीच में कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, उसके बीच में कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, उसको रे कहा जाता है। या फिर आपकी सिंपल भाषा में आप लिखा हुआ है, ए रे एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, दिस इज शो बाई एन एरो। और इसमें आपके लिखा है, एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है, इसका एक निश्चित बिंदु होता है, किरण एक्स वाई को एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, मैंने एक आपको चीज शायद मैं आपको बताना भूल गया, लाइन जो थी मैंने अभी आपको बताया, लाइन उस जैसे कि एक ये लिखी हुई है लाइन, इस लाइन को अगर हम ए या बी से, मैंने आपको बता दिया कि हम शो अप नहीं कर सकते, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हम वहां पर बता नहीं सकते, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें हम बता सकते हैं। ये मैंने आपको कह दिया कि लाइन सेगमेंट ए बी से शुरू होता है, ए से बी तक होता है, पी से क्यू तक होता है, कुछ भी उसका एक पॉइंट होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लाइन सेगमेंट ए बी, तो उसको हम किस प्रकार से एक शॉर्टकट रूप में लिख सकते हैं, तो हम लाइन ए बी को, सॉरी लाइन सेगमेंट ए बी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ए बी लिखकर उसके ऊपर एक छोटी सी ऐसी लाइन खींच सकते हैं। इसका मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहां पर आती है रे की बात, तो रे में देखिए क्या होता है कि ये एक पॉइंट से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि पता नहीं कहां पर जाके रोकेगी, वो हमें मालूम नहीं है, रे के बारे में मालूम नहीं है। इसमें क्या था कि ये जो थी लाइन, ये कहां से हुई है, स्टार्ट हुई है, वो भी हमें नहीं है मालूम। लाइन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता, नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड एंडिंग पॉइंट भी होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। देखिए, ये नोट्स बनाते रहिए, मैं तो बोलता हूं लिखते रहिए, लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। अब हम बात करते हैं रे की, रे में क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। याद आगे बात आगे समझ में, जैसे ये रे यहां से शुरू हुई, अब कहां पर जाकर पूरी होगी वो हमें मालूम नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है रे। और ये रे कितने पॉइंटों से होगी निकलेगी, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो इन्फिनिटी तक ये जाती है, ये भी आप कह सकते हो। और इस रे को एरो द्वारा शो किया जाता है हमेशा, इस प्रकार से तो तीर होता है, इस तीर द्वारा इसको शो अप किया जाता है। अब जैसे देखिए, एक रे है ए बी, मान लीजिए ए बी एक कोई रे है, उस रे को कैसे शो अप किया जाएगा। अब आप कहोगे सर जब इसका कोई एंडिंग पॉइंट है भी नहीं तो उसको हम बी क्यों ले, ठीक है ये रे है, लेकिन रे में क्या होता है एंडिंग पॉइंट एक एज्यूम किया जाता है, एक एंडिंग पॉइंट को उस रे के अंदर एज्यूम किया जाता है। जैसे कि आपने फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, या अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा, मैं आपको पढ़ा दूंगा और शायद आपका चैप्टर हो भी चुका है, तो उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से एक रे आती है, वो लेंस से निकलती है, ऐसे करके निकलती है, वापस जाती है। तो उसमें आप देखना, जब आपके नेक्स्ट आगे जब आप जाओगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि रे कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन इसका एक एंडिंग पॉइंट लिया जाता है, अगर उसका एंडिंग पॉइंट ना ले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो रे में आपको एंडिंग पॉइंट लेना पड़ता है, इसीलिए इस रे में एंडिंग पॉइंट है नहीं, एंडिंग पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इसको भी माना। अब मान लीजिए कोई रे ए बी है, उसको शो अप कैसे करेंगे, ए बी ऊपर इस प्रकार से शो करेंगे, अगर इस प्रकार से है मतलब ये रे है, रे ए बी है, अगर इस प्रकार से है तो यह है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका रे वाला पूरा हो जाता है। अब हम बात कर देंगे पैरेलल लाइंस की, किस बात के बाद किस बारे में बात करने वाले हैं,
पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, समांतर रेखाएं, जिनको हिंदी में कहा जाता है समांतर रेखाएं। पांचवा है आपकी, पता नहीं ऊपर नीचे दिया हुआ, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा क्या होती है सोचिए। अब देखिए यहां पर समान लिखा है, समान अंतर, देखिए ये शब्द किससे बना है, समान अंतर, जिनके बीच में अंतर जो है वो डिफरेंस जो है वो समान हो, इक्वल हो, यानी कि कोई डिफरेंस हो ही ना, उसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, जैसे देखिए एक लाइन है ए बी, ये इस प्रकार से है, यानी कि अगर मैं यहां पर इसको नॉर्थ कहूं, इसको साउथ कहता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस प्रकार से कहूं। अब देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमें सर मालूम नहीं पड़ता कि नॉर्थ चलो मान लिए ऊपर है, साउथ यहां है, ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज होते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा न्यूज, न्यूज नाम सुना है आपने, न्यूज, इस न्यूज का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये आगे ना, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस प्रकार से आपको करना है, याद करना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि एक लाइन है, एक लाइन ए बी है जो वेस्ट टू ईस्ट की ओर ड्रॉ की गई है, जैसे कि वेस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, ठीक है। अब अगर एक और है लाइन, एक और है लाइन जिसको भी, यानी कि एक लाइन पी और क्यू है, उसको भी वेस्ट टू ईस्ट की ओर खींचा गया है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर खींचा गया, यानी कि उनकी जो डायरेक्शंस हैं, उनकी जो डायरेक्शंस है वो सेम है, सेम है, समान है, तो उनको कहा जाता है पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। अब इसकी साइज छोटी बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें यहां पर बात करनी है डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द लाइंस विच ड्रॉ इन सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल लाइंस, द लाइंस विच ड्रॉ इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल लाइंस, तो इनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, और ये भी है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ऐसी लाइनें, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का मतलब कहीं पर भी, देखिए उस लाइन को कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी आगे, कितनी दूर तक लेके जाओ, कभी भी वो एक दूसरे को ना काटे, इंटरसेक्ट ना करे, यानी कि ये लाइन ऐसे करते करते इसको काट ना दे, ये दोनों लाइनें एक साथ मिल ना जाए। जैसे कि आपने देखा होगा रेल की जो पटरी होती है वो हमेशा सीधी होती है, आप कितना भी दूर चले जाओ वो रेल की पटरी कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, उनके बीच में क्या होती है, नफरत होती है, क्या होती है, नफरत, वे कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करती। तो वही है पैरेलल लाइंस, एक दूसरे से कभी प्यार नहीं करती, वो कभी मिलती नहीं है, वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाएगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइंस को पैरेलल लाइंस नहीं कहा जाएगा, उनको नॉन पैरेलल लाइंस कहा जाएगा, उसका नाम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर नॉन एज पैरेलल लाइंस, ठीक है, उनको पैरेलल लाइंस कहा। अब बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि सर एक लाइन यहां पर खींची हुई है, एक लाइन इस प्रकार से खींची गई है, और एक लाइन यहां पर खींची गई है, अब ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन देखिए जब आप इस लाइन को और आगे लेके जाओगे, इसको और ऊपर लेके जाओगे, तो कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट होगी। लाइन का मतलब क्या होता है, जो इन्फिनिटी तक जाती हो, इन्फिनिटी तक जाती हो, तो किसी भी प्रकार से ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, उसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। अब बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सी बात आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो हमारा
हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पैरेलल जो होती है लाइन उसको शो अप कैसे किया जाता है, उसको मैथमेटिकल भाषा में दिखाया कैसे जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको लाइन बताई ए बी पी क्यू, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनको शो किया जाता है ऐसे ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इस प्रकार से पैरेलल वाली लाइनें हमेशा इस प्रकार से शो अप की जाती है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इस प्रकार से। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जो एक लाइन ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है या फिर समांतर है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं, और इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हाल फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं। तो चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर पाइथागोरस आएगा, थ्योरम, ट्राइंगल्स आएंगे, ट्राइंगल्स का एरिया, ट्राइंगल्स के बारे में बहुत सी जानकारी आएगी, तो ये चैप्टर आपका बहुत लंबा खंचने वाला है। तो आज का वीडियो लगभग 40-45 मिनट का तो आपका हो ही गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा कौन सा टॉपिक है, ये सातवां, सिक्स चैप्टर, सिक्स टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनको हिंदी में कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। मैंने अभी आपको कहा था एक पैरेलल होती है और एक नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल यही होती है, पैरेलल क्या होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, नॉन पैरेलल मतलब क्या हो गया इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब कि एक लाइन है ए बी, ये लाइन खींची गई है जैसे ए बी ये लाइन है, इस लाइन को वेस्ट टू ईस्ट खींचा गया है, दूसरी एक लाइन है जिसको नॉर्थ टू साउथ खींचा गया है, जिसको हम पी क्यू कहते हैं, सपोज कीजिए वो पी क्यू है और जिसको हमने नॉर्थ टू ईस्ट खींचा है, नॉर्थ टू ईस्ट खींचा है। अब ये लाइनें देखिए चाहे कहां पर भी ले जाओ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये पी क्यू यहां पर लिख सकते हैं हम नॉर्थ टू ईस्ट, ये दोनों यहां पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही है, जहां पर ये काट रही है इसका मतलब इन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाएगा, इन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाएगा, और इसको किसी भी प्रकार से शो अप नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आप ए ए पैरेलल टू बी जब शो कर रहे थे पी क्यू, इसी प्रकार से आप इसको कभी शो नहीं कर सकते, इसको सीधा सीधा कहा जा सकता है कि ए बी जो है वो पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। अब इसके अंदर कहीं पर भी वो कह सकता है कि वो पॉइंट ओ पर एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, काट सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सातवीं हम बात करने वाले हैं, इस लाइन का नाम है को इंसिडेंट लाइंस, वेरी गुड, ये अच्छा टॉपिक है, को इंसिडेंट लाइंस, बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं, को इंसिडेंट लाइंस इनको कहा जाता है, को इंसिडेंट लाइंस को हिंदी में कहा जाता है समा संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, को इंसिडेंट लाइंस संपाती रेखाएं कौन सी होती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस जो होती है ए और बी पी क्यू, ए बी और पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, चलो ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। इसी प्रकार से मैंने अभी आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे कि ए बी पी क्यू, वो क्या करती है, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती और वो एक दूसरे को काटती है। अब तीसरी एक और लाइन आती है ए बी पी क्यू, अब देखिएगा यहां पर ए बी की डायरेक्शन क्या है, ये पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, ये ए बी और पी क्यू दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हो गए, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था, जब किसी भी लाइन की डायरेक्शन सेम हो मतलब वो पैरेलल है, मतलब कि ये पैरेलल है, लेकिन पैरेलल होने के साथ साथ ये
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रही है, पूरी की पूरी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये ए बी जो है ये पी क्यू के ऊपर से निकल रही है और ये पी क्यू जो है ये ए बी के ऊपर जाके बैठ गई है। मतलब कि जब आप ए से लेकर बी तक जाना शुरू करोगे तो आप पी क्यू से भी गुजरोगे, पी पॉइंट से भी आप मतलब आगे आओगे और क्यू से भी आगे आओगे, यानी कि आपको बीच बीच रास्ते में पी और क्यू पॉइंट भी मिल जाएंगे, ये रास्ता भी आपको बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंटर को इंसिडेंट लाइन्स या फिर संपाति रेखाएं। वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को, या फिर इसको क्या कहा जाता है जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो उन्हें संपाति रेखाएं कहा जाता है। अब इसमें आपके लिखा है कोइंसिडेंट रेखाओं को, ये इंग्लिश वाले में तो आपको दिया हुआ ही नहीं है कोइंसिडेंट लाइन्स, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन्स, वो रेखाएं दैट लाइन्स विथ क्या कह सकते हैं एक दूसरे के ओवरलैप होती है यानी कि उनकी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आप मानते हो कि जब हमारी घड़ी में 12 बजते हैं तो मिनट वाला जो सुआ है, जो मिनट वाली सुई है और जो आवर्स वाली सुई है, मिनट एंड आवर्स वाली जो सुई है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो इसको कहा जाता है ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आना, और इसी प्रकार की जो कंडीशन बनती है इसको कहा जाता है कोइंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब तो आप जान चुके होंगे, कोई प्रकार का कह सकते हैं एतफाक, या फिर कोइंसिडेंस का मतलब होता है एतफाक, यानी कि एतफाक से वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, इसको कहा जाता है कोइंसिडेंस लाइंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके, ये आपके इंग्लिश वाले में दिया हुआ है लेकिन हिंदी वाले में नहीं दिया, इसलिए मैं कहता हूं मैं आपको दोनों विषय पढ़ाता हूं, दोनों ओर से पढ़ाता हूं। ठीक है, कॉनकरेंट लाइंस, देखिए कॉनकरेंट लाइंस को हिंदी में क्या कहा जाएगा ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि चलो दिया हुआ यहां पर हिंदी में भी, इसको कहा जाता है संगामी रेखाएं, कॉनकरेंट लाइंस इनको कहा जाता है संगामी रेखाएं। अब देखिए संगामी रेखाएं या फिर कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया पैरेलल लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। अब एक बात आती है, जो पैरेलल लाइंस, जो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इसी प्रकार से एक कॉनकरेंट लाइंस होती है। कॉनकरेंट लाइंस क्या कहती है कि देखिए अब मैंने आपको बता दिया नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चलो कहीं पर भी लाइन जा सकती है, लेकिन आपने मैथमेटिक्स में एक्स वाई के बारे में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन सबको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस कहा जाता है। अब एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जहां जहां पर घूम रहा है इस प्रकार से, उसको कहा जाता है एक्स प्लेन, यानी कि उसका जितना एरिया है एक्स एक्सिस का, जितना उसके आसपास का, जैसे कि एक्स एक्सिस इस ओर आ रहा है तो उसके आसपास का जितना इस प्रकार से एरिया है उसको कहा जाता है एक्स, ये आ गया प्लेन। वाई एक्सिस होता है ऐसे वर्टिकल, तो उस वाई एक्सिस के ऊपर जितना उसका एरिया है उसको कहा जाता है वाई प्लेन। जेड एक्सिस का जितना होता है उसको कहा जाता है जेड प्लेन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है, दोज लाइंस विच लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट, यानी कि वे रेखाएं जो एक ही प्लेन में रहती हो और एक दूसरे को एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती हो। मैं आपको एक बार लिखवाता हूं, लिख दीजिएगा those lines which lies on same plane and intersect at same point, यानी कि
वे लाइनें जो एक ही प्लेन, जैसे कि अगर मैंने बताया कि एक्स एक्सिस, तो वो सारी की सारी एक्स एक्सिस में जाएगी। मान लीजिए एक्स एक्सिस यहां से शुरू होता है जहां पर मैं खड़ा हूं, अब यहां से देखिए इस प्रकार जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, तीसरी ऐसे जाएगी, तो वो तीनों एक ही जगह पर आकर एक दूसरे को काटती है। लेकिन देखिए अब अगर एक लाइन तो यहां आ रही है इस प्रकार से, दूसरी लाइन जा रही है ऊपर की ओर, तो उसको हम एक ही प्लेन में नहीं कहेंगे, क्योंकि मान लीजिए एक तो आ गई इस प्लेन में, एक्स प्लेन में, दूसरी आ गई वाई में, फिर आ गई जेड में, इस प्रकार से वो हम दो दो प्लेन, तीन तीन प्लेन नहीं ले सकते। जो एक ही प्लेन में हो, अगर या तो पूरा का पूरा जो भी लाइन है वो सारी की सारी एक्स में हो, या फिर सारी की सारी वाई में हो, और या फिर सारी की सारी जेड में हो, उनको कहा जाता है कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हो गया, तो इसको, इन सारी लाइंस को कहा जाता है कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्करेंट लाइन क्या होती है। अब कॉन्करेंट लाइंस के बाद एक दो लाइंस और अगर आती है तो मैं आपको बता देता हूं, कोइंसिडेंट लाइंस ये हो गया, सीमांत रेखाएं। चलो, तो आज का वीडियो बहुत शायद हो चुका होगा बड़ा, आगे तो यार बहुत चीजें पड़ी है, तक तो ट्रायंगल पड़ा है, एंगल पड़े हैं, आरएचएस एलएचएस इनका एरिया, ठीक है सब आपको बताएंगे। ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद।